तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे मरता तो उसकी चाह से है। तुम सालिक हो वो जोगी है मतलब तो दिल
सर्वने कायनात दे मालक राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरता गद्दी ते सुभायमान ने उन्हां दे प्यार ते सत्कार विच फतेह बुलाओ दोवें हाथ जोड़ के बुलाओ फतेह आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सुने हुए विचारां नूं विद्वाना ने सुवंती बूंद का दर्जा दिता है। विद्वाना की राय है कि यह अमृत टपकती है, जे ये केले पर पै जाए तो कपूर पैदा होता है, जे ये कां पर पै जाए तो कां का रंग सफेद हो जाता है, जे वो कां हिरन खा जाए तो उस दी नाभी विच कस्तूरी पैदा होती है, जे ये सिंह पर पै जाए तो सुचे मोती पैदा होते हैं, जे ये सप पर पै जाए तो वह मणि सेड़ता है, इसे तरह जे ये गिदड़ पर पै जाए उड़ाना कर सकता है, अच्छा डॉक्टर बन के दूर अंदेसी इलाज कर सकता है, सब कुछ होने के बावजूद भी भावे तू विद्वान बन जा, वक्ता बन जा, सूरमा बन जा, छत्रपति बन जा, राजा बन जा, राजकुमार बन जा, साइंसदान वैज्ञानिक बन जा, ये डिग्री तेरे को होने वास्ते कोई कीमत नहीं रख रही। जिसने संगत में आके केवल प्रभु के नाम को जप बनाया उसने चार वेद वाज लै, छे सात सोलह अठारह पुराण सुन लै, सताई सिमंडिया पढ़ के विद्या हासिल कर ली। जिसने संगत में आके केवल प्रभु के नाम को जप बनाया आओ संगत में सुभायमान हो। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित सात संगत जी, संतां दा जन्म 12 फरवरी 1947 दे विच पिंड रोडे भाई पिंड रोडे ती भाई जोगिंदर सिंह जी दे घर होया। आओ एक कविता ठहि के किवें दे जा चुक होवांगे साडे सभराव वाले साडी दे पास होए Thank you.
ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ